Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. करीब 5 साल बाद होटल हार्मनी के पूर्व मालिक ताराचंद पुरी ने आज मेरठ पहुंचकर एडीजी या पुलिस कप्तान का दरवाजा न्याय की गुहार लगाते हुए खटखटा दिया। न्याय की उम्मीद लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र पर अभी तक कोई सुनवाई न होने का दर्द उनके चेहरे पर छलक रहा था। बेहद कमजोर हो चुके ताराचंद पुरी से फर्स्ट बाइट टीवी ने उन सवालों का जवाब जानना चाहा जो मौजूदा मालिक वे भाजपा नेता नवीन अरोड़ा द्वारा उठाए गए हैं। दरअसल नवीन अरोड़ा का कहना है कि संपूर्ण कागजी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद ही वह होटल हार्मनी व पुरी के शास्त्री नगर स्थित मकान पर काबिज हुए हैं। 22 करोड़ रुपए का ऋण बैंक को नवीन अरोड़ा व अन्य पार्टनर ने चुकाया है, जबकि कुल मिलाकर यह मामला 22.5 करोड़ रुपए में निपटा था। अब ताराचंद पुरी का दावा है कि करीब 50 करोड़ रुपए कीमत के उनके होटल व घर को 22.5 करोड़ रुपए में हत्या लिया गया है। आरोपों के जद में नवीन अरोड़ा, परविंदर त्यागी, अमित चांदना, राजेश जुनेजा, राजेश कुमार, प्रवीण अरोड़ा, अनिल जग्गी, नितिन अरोड़ा, प्रवीण अरोड़ा मैनेजर आदि शामिल हैं। मेरा नाम ताराचंद पुरी है, मैं हारमोनी इनका मालिक रहा हूँ पहले, और मेरठ में ही H201 में रहता था मैं, H201 शास्त्री नगर में ही मेरा निवास था। हम लोग जो है घूमने उज्जैन दर्शन करने गए थे बाबा के, पीछे से हमारी प्रॉपर्टी कब्जाई गई, इसमें कुछ दबंग लोगों ने कब्जा करा और उसके बाद धमकी देते रहे वो हम लोगों को। उसके बाद उन्होंने उसको जो है रिलायंस से सेट करके सेटिंग करके कुछ कागज वागज साइन भी हम लोगों से कराए दबाव में। अब मैंने ये रिपोर्ट 1 महीना पहले ADGP को और SSP को और सबको भेजी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्च अप्रैल 2018 की घटना है। कौन लोग हैं ये? नवीन अरोड़ा है, अमित चांदना है, और एक जुनेजा है, एक रमेश अरोड़ा है जो जिनका पुत्र घर से गाड़ियां BMW और ऑडी उठा के ले गया हमारी, एक शिखर पाराशर है जो घर से 3 असले उठा के ले गया हमारे। इस तरह जो पूरा गैंग है उनका पूरे ग्रुप बना हुआ है, उन लोगों का 15-20 आदमियों का, इसमें काफ़ी नाम खुले हुए हैं एप्लीकेशन में। मैं न्याय चाहता हूँ कि इसकी जाँच हो, जो भी न्याय हो वो हो। मैंने 1 महीना पहले ADGP के यहाँ दी, चीफ मिनिस्टर के यहाँ दी, और यहाँ पर SSP के यहाँ दी। आज किसको दी? आज मैं SSP ऑफिस में और ADGP ऑफिस में देके आया हूँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ के फेमस हारमनी होटल के मालिक ताराचंद पुरी इस वक्त हमारे साथ में है। लंबे समय से विवाद चला आ रहा है इसके कब्जे को लेकर। हम सीधे ही उनसे बात करते हैं कि इस पूरे मामले में क्या हुआ था, और मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें नवीन अरोड़ा का साफ साफ ये कहना है कि आपके जो हथियार आपके पास थे वो आप खुद ले गए थे मेरठ से जाते समय। मैं 6 मार्च 2018 को घर से गया था, ना उस समय वह नवीन अरोड़ा थे मुझे देखने के लिए, ना मेरे घर पे थे। उसके बाद मेरे घर से अगर कोई तीसरा आदमी कोई हथियार ले गया तो नवीन अरोड़ा को क्या पता कि वो हथियार कौन ले गया है, मैं ले गया हूँ या नवीन अरोड़ा ले गया है या कोई और आदमी ले गया है, नवीन अरोड़ा को क्या पता इस बात का। तो हथियार शिखर पाराशर ले गया है और अभी तक उसके घर में थे, अब वो मकान बेच के दुबई भाग रहा है। तो अभी बल्कि मेरे को आपकी हेल्प चाहिए कि पुलिस इसमें कार्रवाई करे और उसे रोके। इसमें जो आपके पास जो लग्जरी गाड़ियां थी वो कहां पर हैं इस वक्त? मेरी गाड़ियां 2 थी, BMW और ऑडी 2000 नंबर की, और दोनों गाड़ियां रमेश अरोड़ा का पुत्र नितिन अरोड़ा घर से ले गया था। वो गाड़ियां आज भी नोएडा में, दिल्ली में चल रही हैं, उनके रिश्तेदारों के पास हैं, उनका आज भी बीमा कराया जा रहा है, ताजी डेट में भी गाड़ियां वो चल रही हैं, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं उनको। अभी आपने हाल ही में मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है जी, उसको लेकर के आपने एक एप्लीकेशन भी दी है जी, तो उसमें अभी तक क्या प्रक्रिया चल रही है और कहां तक पहुंची? मैंने एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी के यहाँ दी थी, DGP को दी थी, मेरठ में ADGP, SHP, DM सबको दी थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैं दोबारा से ADGP और SHP कार्यालय में दोबारा दे के आया हूँ और उनसे निवेदन करके आया हूँ कि इसमें जल्दी कार्रवाई करें
और नहीं तो ये शिखर पाराशर जैसे आदमी देश से निकल जाएंगे और मेरे हथियार नहीं मिलेंगे और ये इनको पकड़ के लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आपकी क्या डिमांड चल रही है? मेरी डिमांड है कि इसकी जल्दी से जल्दी जांच की जाए और ये जो लोग ऐसे हथियार जिसके पास हैं उसको जल्दी से पकड़ा जाए, हथियार बरामद किए जाएं, नहीं तो ये हथियार नहीं मिलेंगे क्योंकि वो दुबई चला जाएगा लड़का। अच्छा, इसमें नवीन अरोड़ा का एक बहुत ही साफ साफ ये कहना है कि जितने भी कागजात हैं, जितने भी पेपर हैं, जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें आपके परिवार के सभी सदस्य, आप, आपकी मिसेज, आपका लड़का, उसके वधु, इन सब के सिग्नेचर हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे पूरे परिवार को एक तरह से बंधक बनाया गया 3 दिन के लिए, उसी में ये पूरी कार्रवाई की गई। हम पे मानसिक दबाव इस तरह का बना हुआ था कि हम कुछ नहीं कर पाए उस समय। वो 3 दिन में वो कुछ कागज बॉम्बे में साइन कराए गए, कुछ अलाहाबाद में साइन कराए गए, कुछ मेरठ में हुए, कुछ गाजियाबाद में साइन हुआ उसमें। आपने अपने पूर्व के बयान में ये भी कहा था कि आपका जैसे किडनैप कर लिया गया, कुछ ऐसी हालत है? 3 दिन की मैं, 3 दिन में मेरी यही स्थिति रही है कि मैं इनके कब्जे में था, यही मेरे को कैसे ले जा रहे थे, कैसे नहीं ले जा रहे थे, या कोई नशा करा रहे थे, मुझे नहीं पता। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट पॉइंट.tv और अपने कमेंट्स इस पर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।